So students, today we are going to cover a new chapter, chapter 5, looking after your computer. So in this chapter we'll learn how to take care of our computers and how to look after each part of the computer. So yahan do and don'ts kuch diye hue hain ki kya karna chahiye aur kya nahi karna chahiye jisse hamara computer lambe samay tak acha chalega. Okay. So pehle hum do's ko cover karte hain. कि हमें क्या करने चाहिए ओके और उसके बाद हम क्या नहीं करना चाहिए दैट इज़ डोंट वो बाद में कवर करेंगे ओके सो डू नाउ कीप द कंप्यूटर रूम क्लीन एंड कूल कंप्यूटर रूम को हमेशा साफ और प्रॉपर वेंटिलेशन उसमें हो कि वो रूम ठंडा रहे दूसरी चीज़ है कीप योर कंप्यूटर क्लीन एंड फ्री ऑफ डस्ट एंड डस्ट इट विद क्लीन सॉफ्ट एंड ड्राई क्लोथ रेगुलरली और अपने कंप्यूटर को हमेशा साफ सुथरा रखो ओके और हमेशा उसे साफ एक सॉफ्ट कपड़े से और सूखे कपड़े से उसे साफ करो कभी उसमें वो कपड़ा भीगा हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है अदरवाइज अगर वो पानी अगर उस डिवाइसेस में चले जाएंगे तो फिर डिवाइसेस ख़राब भी हो सकते हैं फिर तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम हाई टेम्परेचर स्मोक एंड ह्यूमिडिटी एंड नंबर टू फूड एंड ड्रिंक स्पिल्स सो इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर रूम में कभी भी खाना मत खाओ या कंप्यूटर में बैठे बैठे कभी भी कुछ खाना या कुछ भी ऐसे पीने की कोई भी सामान मत लेके जाओ वहाँ ठीक है सो क्योंकि कंप्यूटर हम चलाते हैं तो कंप्यूटर यूँ ही गर्म होती है तो इसलिए उसका टेम्परेचर हमें वहाँ इसलिए कहा गया है ना कि कूल होना चाहिए ओके द अदर थिंग इज़ दैट फिर से फूड और ड्रिंक स्पिल्स का जब मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि अगर आप खाओगे कुछ और कीबोर्ड के ऊपर गिर गया या फिर आप पी रहे हो और कीबोर्ड के ऊपर गिर गया तो फिर वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं अगर वो पानी अगर चला जाता है अंदर फिर है यूज ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही होना चाहिए अगर हम पायरेटेड खरीदते हैं यानी कि यूज़ किया हुआ पहले से ही उस सॉफ्टवेयर को अगर हम खरीदते हैं तो उसमें हैकिंग होने के चांस होता है यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति हमारा सिस्टम के अंदर झांक सकता है ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन ये लास्ट दो पॉइंट है शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली आफ्टर यू फिनिश योर वर्क और हमेशा जैसे ही कंप्यूटर पर अपना काम ख़त्म हो जाता हो तो उसे प्रॉपरली प्रॉपर प्रोसेस के साथ उसे शट डाउन करना है ऐसा नहीं कि काम पूरा हो गया तो मैंने मॉनिटर ऑफ कर दिया सीपीयू ऑफ कर दिया स्विच ऑफ कर दिया या फिर डायरेक्टली स्विच ऑफ कर दी अगर ऐसे करेंगे तो फिर हमारा सिस्टम बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा ओके फिर जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है हमारे सिस्टम के लिए वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्मफुल वायरसेस आते हैं उनको वो ख़त्म करें उनको मार सके ओके एंड इट विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेरी हार्मफुल मैलवेयर्स आल्सो नाउ ये तो हम जान लिए कि हमें क्या करना चाहिए व्हाट शुड वी डू वी लर्न अबाउट इट बट व्हाट वी शुडंट डू और हमें क्या नहीं करना चाहिए ये अभी हम पढ़ेंगे ओके सो डोंट एंटर द कंप्यूटर रूम विथ शूज ऑन कभी भी कंप्यूटर रूम जूता पहन के नहीं घुसना है सेकेंड पॉइंट डोंट लेट योर कंप्यूटर शेयर एन इलेक्ट्रिक सॉकेट विथ लार्ज मशीन सच इज फ्रीज और वॉशिंग मशीन ओके सो कभी भी अपने कंप्यूटर का इलेक्ट्रिक सॉकेट जो होता है ना उसमें और भी अदर बड़े बड़े मशीनों का जो प्लग है वो लगना नहीं चाहिए उसमें Now third is don't pull at wires or knock hard against any part of computer. उससे क्या होता है कि अगर थोड़ा ज़ोर से खींचते हो वायर को पुल करते हो तो इससे एक दिक्कत ये हो सकती है कि वायर टूट सकती है ओके एंड देन डोंट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना मैंने बताया कि क्यों नहीं यूज़ करना है बिकॉज वो सॉफ्टवेयर पहले ही किसी ने यूज़ कर चुका है तो चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति या जो भी हैकर या क्रैकर है ये हमारा सिस्टम को हैक करके हमारे जो भी निजी
डेटा है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो चोरी कर सकते हैं हमारे फ़ोन से या फिर हमारे लैपटॉप या सिस्टम से. ओके, नाउ डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ टू मैनी टाइम्स थ्रू द डे. ये चीज़ बार बार ऐसे नहीं करना है, अगर बार बार करते हैं तो उससे ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड देन डोंट डाउनलोड गेम्स और सॉन्ग्स फ्रॉम द इंटरनेट टू ऑफन, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो साइट कैसा है कैसा नहीं है. हो सकता है कि उनमें एम्बेडेड वायरस भी हो सकता है, तो इसलिए हमें टू अवॉइड इट वी शुडंट डाउनलोड मच दैट मच गेम्स और सॉन्ग्स. सो यू माइट एंड अप डाउनलोडिंग अ वायरस प्रोग्राम एंड कॉज वायरस अटैक ऑन योर कंप्यूटर. सो बस इसीलिए मैंने कहा है, क्योंकि जब हम किसी भी गाना या वीडियो डाउनलोड करते हैं तो उनमें एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं. गलती से ऐसे भी हो सकता है कि हम उन लिंक्स पर क्लिक कर दें और उस लिंक्स के क्लिक करने से फिर वो वायरस हमारे सिस्टम में आ सकता है. ओके, नाउ सो अभी कैरिंग फॉर योर कंप्यूटर. ओके, सो कंप्यूटर को कैसे देख मॉनिटर की कैसे देख रेख करनी है. सबसे पहली बात, उसे कभी भी डायरेक्ट सनलाइट या ह्यूमिडिटी या हाई टेम्परेचर में एक्सपोज नहीं होने देना है. राइट, उसको डायरेक्ट सनलाइट से उसे बचा कर रखना है, और ह्यूमिडिटी यानी कि अगर फिर से उमस बढ़ जाएगी तो फिर उसमें भी अगर पानी लगने लग जाएगी तो फिर वो वहाँ और जल्दी ख़राब हो जाएगा वो सिस्टम. ओके, एंड कीप इट फ्री ऑफ डस्ट, और हमेशा उसे वो डस्ट फ्री होना चाहिए, और इस चीज़ के लिए हमें किसी भी सॉफ्ट या ड्राई कपड़े से उसे पोंछना चाहिए. नाउ कीबोर्ड, सो कीबोर्ड प्रोटेक्ट योर कीबोर्ड फ्रॉम डस्ट एंड ग्रीम, कीप इट कवर्ड व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट. और जब अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे ढक कर रख दें, ताकि जो भी डस्ट है वो उस कपड़े के ऊपर सेटल हो, ना ही कीबोर्ड के ऊपर. और कभी भी कीबोर्ड यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आपका हाथ धुला हुआ हो, साफ़ हो, और उसे हमेशा साफ़ और सुथरे कपड़े या सूखे कपड़े, साफ़ सुथरे और सूखे कपड़े से ही उसे पोंछना है, सॉफ्ट होना चाहिए. और अपने जो भी कीबोर्ड है उसे पियानो की तरह या फिर तबला की तरह उस पर नहीं मारना है कीज़ को. यू हैव टू वेरी जेंटली प्रेस द की, है ना, बहुत आराम से अपने उंगलियों को उन कीज़ के ऊपर रखना है. फिर है डोंट ड्रिंक फूड और ड्रिंक नियर कीबोर्ड, क्योंकि अगर वो स्पिल हो गया यानी कि अगर वो उस पर किसी तरह से गिर गया लिक्विड, तो कीबोर्ड ख़राब हो सकती है. राइट, नाउ मूविंग ऑन दैट हाउ टू केयर फॉर योर माउस. सो माउस की देख रेख कैसे करेंगे. सो यूज़ अ माउस पैड. सबसे पहले तो माउस पैड का इस्तेमाल करें हम. ओके, इससे क्या होगा कि माउस पैड जो है माउस को प्रोटेक्ट भी करेगी, और दूसरी चीज़ ये कि माउस ज़्यादा बेटर वर्क करेगा. एंड डोंट यूज़ माउस विद डर्टी और स्टिकी फिंगर्स. फिर से वही बात, क्योंकि अगर उसमें अगर स्टिकी फिंगर्स रहते हैं या गंदे रहते हैं तो फिर माउस भी फिर गंदा हो जाएगा. तो अगर माउस को साफ करना है तो उसे भी सॉफ्ट, ओके, और थोड़ी सी मुलायम, है ना, उस तरह के कपड़े होने चाहिए, सूखे कपड़े होने चाहिए. नाउ क्लिक ऑन माउस बटन जेंटली, जिस तरह से कीबोर्ड को जेंटली प्रेस करना है उसी तरह से माउस के बटन्स को भी यू हैव टू प्रेस इन जेंटली. ओके, सो इफ़ द बटन गिव ट्रबल्स, अगर बटन नहीं काम कर रहा है तो विल परचेज अ न्यू वन, हम नए वाले खरीद लेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द अदर टॉपिक, केयरिंग फॉर योर सीडीज एंड डीवीडीज. अब अगर आपके पास सीडी और डीवीडी है तो किस तरह से उसका देख रेख करना है ये हम जानेंगे. कभी भी आप सीडी देखते हैं, आई होप आप सब ने सीडी देखा होगा, तो उसका एक साइड जो होता है वो उसमें कुछ लिखा रहता है, कोटेड रहता है, और उसके पीछे साइड वो एकदम शाइन करता है, लाइक इट इज़ शोन इन द पिक्चर, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है. सो कंप्यूटर जब इस सीडी को जब हम अपने ड्राइव में डालते हैं, सीडी ड्राइव में, या डीवीडी को डीवीडी ड्राइव में डालते हैं, तो कंप्यूटर इस डेटा को रीड करता है इसी पार्ट से. और अगर इस पार्ट में ही अगर किसी तरह की स्क्रैच हो गई, सो कंप्यूटर उस डेटा को रीड करने में थोड़ी सी उसे मुश्किल होगी. नाउ इफ़ दे गेट डर्टी, वाइप देम केयरफुली विद अ सॉफ्ट क्लोथ. और अगर उसमें फिर से वैसे ही डस्ट अगर पड़ जाते हैं या गंदे होते हैं, तो उसे एक सॉफ्ट क्लोथ से
उसे वाइप करना है, और कभी भी उसे गंदे या हॉट या ह्यूमिड प्लेसेस में नहीं रखना है, उससे फिर से वो सीढ़ी ख़राब हो जाएगी। और एक चीज़ है कि डायरेक्ट सनलाइट में भी उसे नहीं एक्सपोज करना है। ओके, मूविंग ऑन द लास्ट पार्ट, कभी भी उन सीरीज के ऊपर कभी बॉल पेन से कुछ नहीं लिखना है, और अगर लिखना भी है तो कुछ स्पेशल सीडी पेन्स आते हैं, वो भी उस तरफ लिखना है जिस तरफ शाइनी पार्ट नहीं है। ओके, दूसरी चीज़ है कि कभी स्टिकर्स वगैरह चिपकाना नहीं है सीडी या डीवीडी में, और कभी भी सीडी या डीवीडी अगर प्लेयर में अटक जाता हो, सीडी ड्राइव में अटक जाता हो, तो फिर किसी बड़ों का आप मदद लेंगे, आप खुद से इंजीनियर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके ओके क्लास, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन व्हाट्सएप। थैंक यू।